वंदामि नमः स्वामी, वंदामि नमः स्वामी, वंदामि नमः स्वामी। हमारा समय क्या है भारती जी? आज थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, 12 बजे तक है। ओके ठीक है। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रोव्य गयज निल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आदरणीय संजी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, भगवती सूत्र के संदर्भ में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। पिछली बार हम भगवती सूत्र के संदर्भ में देख रहे थे हमारा पहला चैप्टर और उसका तीसरा पार्ट, उसके हम क्वेश्चन और आंसर ले रहे हैं। और उसमें हमने पिछली बार देखा था कि मिथ्यात्व एक चीज है जिसमें व्यक्ति को तत्व का, सच्चाई का, सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और कभी कभी वो विपरीत मान्यताओं को सत्य समझ लेता है। जैन धर्म में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि तत्व को हम जैसा है वैसा ही जाने, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। अगर हम तत्व को विपरीत रूप में समझते हैं, गलत रूप में समझते हैं, कुछ दूसरे धर्मों के संप्रदायों की व्याख्याओं को सही समझ बैठते हैं जो कि वास्तव में तत्व के दृष्टि से सही नहीं भी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जिस तरह का चिंतन तत्व को जिस रूप में समझेंगे और अगर हम गलत रूप में समझते हैं तो हमारी सारी जीवन शैली गलत हो जाती है, क्योंकि विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, व्यवहार का निर्माण करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे व्यवहार बनने लग जाते हैं। तो हम चिंतन जिस चीज का करते हैं और जिसको सही समझ बैठते हैं, अगर वो गलत है तो फिर हमारी जीवन शैली भी सारी गलत हो जाती है। इसीलिए जैन धर्म में इस बात पर बल दिया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का योग मिलने से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, उसी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमने पिछली बार की चर्चा में देखा था कि तत्व के प्रति कभी कभी हमारे मन में शंका हो जाती है और वह शंका के कई कारण होते हैं। हमें चूंकि तत्व का ज्ञान नहीं है, हम शास्त्र की भाषा समझते नहीं है, शास्त्र की व्याख्याओं को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो किसी भी कारण से हमें वो शंका हो सकती है। और कभी कभी हमारे मन में दूसरी परंपराओं को देख करके, दूसरे धर्म को देख करके हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होने से भी अपने धर्म के प्रति संदेह हो जाता है। तो ये कई कारण होते हैं। और कभी हम करते हैं साधना, हमें लगता है कि दूसरे धर्मों में बड़े चमत्कार दिखाई देते हैं, जो साधना करते हैं उसके परिणाम देखने में आते हैं। हमारी साधना हम कितनी भी कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसका क्या फल मिल रहा है हमको, कितनी आत्मा की शुद्धि हो रही है, क्या हमारा विकास हो रहा है। तो उसके कारण से, विचिकित्सा के कारण से भी हमारे मन में तत्व के प्रति संदेह हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि इस तरह की हम कई लोगों को सुनते हैं, कई तरह के विचार सुनते हैं, एक ही सिद्धांतों को लेकर के 10 तरह के वक्ता 10 तरह की बात करते हैं, 10 तरह की व्याख्या करते हैं, उससे भी हमारी बुद्धि में कभी कभी वो कहना चाहिए कि जिसको डिलेमा कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, कि भाई ये सत्य है कि वो सत्य है, ऐसा एक संदेह पैदा होता है। तो हम निर्णय नहीं कर पाते कि सच कौन है, ये व्याख्या सही है कि वो व्याख्या सही है। तो उसके कारण से भी हमारे मन में कभी कभी हम गलत व्याख्या का चुनाव कर लेते हैं, सही व्याख्या को छोड़ देते हैं। तो इसको भेद समापन्नता कहते हैं। और होता है कलुष समापन्नता एक कारण बनता है कि हम भगवान तीर्थंकरों ने तत्व का जो स्वरूप हमें समझाया है,
कि जीव का स्वरूप क्या है, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, किस किस रूप में इस सृष्टि में जीव है, उनकी हिंसा किन किन रूपों में होती है, हमारे व्यवहार में क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो कभी कभी हमें ये लगता है कि भगवान ने जो कहा वैसा तो है नहीं ना, पानी में कोई जीवन तो दिखाई नहीं देता है, अग्नि में कोई जीवन दिखाई तो देता नहीं है, और आजकल वैज्ञानिक ऐसी व्याख्या आ गई है तो लोग ये समझ पाते हैं कि ये सब केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। तो जहाँ लाइफ है उसको लाइफ नहीं है ऐसा कहने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि कभी कभी हम भगवान की वाणी में संदेह करके उसको, उससे विपरीत जो चीजें हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ज्यादा लाइक करते हैं। तो ये सारी कारण बनते हैं कभी कभी हमारे अंदर मिथ्यात्व को जन्म देने के। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमारे अंदर कभी किसी भी कारण से, इन सभी कारणों से या किसी अन्य कारण से तत्व के प्रति अगर कोई संदेह पैदा होता है तो हम इस तरह की जो मनोवृत्ति हमारी बनती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका सही रास्ता क्या है, हम कैसे इस तरह की तत्व के प्रति जो हमारी विपरीत मान्यता या श्रद्धा है उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर बात कही है भगवती सूत्र में, शतक पहला उद्देशक तीसरा है इसका और उसका प्रश्न नंबर छठा है, इसमें ये बात कही है कि से नूनम भन्ते तमेव सच्चम निस्संकम जम जिनेहिं पवेयम। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया है कि भगवान चूंकि तत्ववेत्ता तो सभी परंपराओं में कुछ कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है, हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, जुनाइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, जो भी महापुरुष होते हैं वो अपने आप को तत्ववेत्ता समझ कहते हैं कि वो तत्व को देखते हैं, सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया या अनुभव किया है। तो ऐसी स्थिति में हम जब विचार भेद देखते हैं कि एक परंपरा जो कहती है दूसरी परंपरा उसको डिनाई करती है तो हम किसको सच माने। तो भगवान महावीर से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान क्या तीर्थंकरों ने, जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ हमें तत्व का स्वरूप समझाया है क्या हम उसमें ये मान ले कि वो पूरी तरह से सत्य है, उसमें कोई शंका के लिए अवकाश नहीं है, किसी तरह का डाउट हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा कि हंता कोयमा तमेव सच्चम निस्संकम जम जिनेहिं जिनेहिं पवेयम। गौतम भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि हाँ गौतम, जो जिनेश्वर भगवान ने तुम्हें बताया है, तीर्थंकरों ने जो बताया है, मेरे से पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके, मैं 24वां, परंतु जो भी जिनेश्वर भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, राग द्वेष विजेता होते हैं, उनके द्वारा जब कभी किसी तत्व का प्रतिपादन किया जाता है तो उसे पूर्ण सत्य समझना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है, जिस दृष्टि से कहा, उस दृष्टि से जरूर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, किंतु जो वो कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक बात इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से भगवान महावीर ने एक बात जो हमें कही है वो ये है कि तीर्थंकरों की वाणी में हमारी श्रद्धा बिल्कुल अटूट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का छिद्र नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की शंका के लिए कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। ते नूनम भन्ते एवं मणम धारे माणे एवं पकड़े माणे एवं चिट्ठे माणे एवं संवरे माणे आनाए आराहे भवई हंता गोयमा एवं मणम धारे माणे जाओ आराहे भवई। आगे गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं भगवान महावीर से कि भगवान आपने जो कुछ कहा कि तीर्थंकर जो कुछ बताते हैं आपको उसको सत्य मानना चाहिए, उसमें किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए, तो क्या हम अपने मन में इस तरह का विचार बिठा सकते हैं, इस तरह का विचार बना सकते हैं, हमें इसी तरह से आपकी बात में कोई शंका नहीं करना चाहिए, तीर्थंकरों की वाणी में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्या हम इसको अपने मन में गहराई से बिठा सकते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि निश्चित रूप से तुम मन में ये बैठा लो कि तीर्थंकर की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि श्रद्धा हमारी मजबूत होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, जो
जिस धर्म में हम विश्वास करते हैं उसमें जो हमें तत्व दर्शन दिखाया गया है, आगम वाणी स्पेशली, उसमें भगवान महावीर के मुख से या गणधरों के माध्यम से जो कुछ हमें ज्ञान मिला है उसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसका एक कारण ये बताया जाता है कि बहुत सारे तत्वों का जो प्रतिपादन जैन आगमों में किया गया है वो अतींद्रिय तत्व है। अतींद्रिय का मतलब क्या होता है? अतींद्रिय किसे कहते हैं? हमारे पास में पांच इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ठीक है ना। और एक इंद्रिय अंदर में है जिसको कि अंतःकरण भी कहा जाता है या मन कहा जाता है, उस वो अंदर की एक भीतर के अभ्यंतर इंद्रिय कहलाती है। वो बाहर में उसका कोई रूप नहीं दिखाई देता है, वो भीतर से काम करती है। ये छह हमारे पास इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से हम जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो सारा इंद्रिय जन्य ज्ञान कहलाता है, ठीक है। किंतु क्या इंद्रियों से बियॉन्ड भी ज्ञान होता है? बिना आंखें उसके आंखें से आंखों से देखे बिना भी क्या हम वस्तु को, ऐसे कोई पदार्थ है जिनमें हमें आंखों को उससे देखने की जरूरत नहीं है? बिना आंखों के, बिना इंद्रियों के सहारे भी उन तत्वों को हम जान सकते हैं? केवल ज्ञान बताइए, अपने आत्मज्ञान। हाँ, आत्मा के द्वारा हम ऐसे तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है ना। इंद्रियां जानती उन पदार्थों को जिनमें रूप होता है, रंग होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, ऐसे पदार्थों को मात्र इंद्रियां जान सकती है। किंतु संसार में सारे पदार्थ है तो ऐसे नहीं है जिनमें कोई रूप है, रस है, रंग है, ठीक है ना, कलर है, ऐसा तो नहीं है। आत्मा में कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, रस नहीं है, तो उसको जानने का तरीका इंद्रिया नहीं हो सकती है, इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमेशा उन पदार्थों को जानती है जिनमें कोई रूप, रस, रंग, आकार, प्रकार होता है। आत्मा में ये सब चीजें नहीं है, इस वजह से इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती है। तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? आत्मा के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। आत्मा को जानने का माध्यम क्या है? आत्मा ही है। इंद्रियां या मन उसको नहीं जान सकते हैं। आचारंग सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं, तक्का तथ्य न विज्जयी मई तथ्य न गाहिया। तर्क यानी बुद्धि से अगर तुम आत्म तत्व को समझने की कोशिश करोगे तो बुद्धि तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि बुद्धि किसको समझती है? जो अपने सेंसरी डेटा होते हैं, सेंस डेटा होते हैं, आंखों से, अन्य इंद्रियों से हम जिन चीजों को समझते हैं, बुद्धि केवल उन पर ही विचार कर सकती है, उनको ही समझ सकती है। किंतु ये तो आंखों से या अन्य इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि भी उसको नहीं समझा पाएगी आपको। कल ही हम क्या नाम है, महेंद्र भाई की दी हुई पुस्तक पढ़ रहे थे, मोक्ष मारा, श्रीमद राजचंद्र की पुस्तक। और उसमें ये बात आई कि आत्मा के स्वरूप को कैसे समझा जाए। तो उसमें एक उदाहरण दिया गया कि ग्रामीण व्यक्ति है, एक राजा शिकार के लिए या घूमने के लिए निकले और जंगल में आए, और कहना चाहिए कि घूमते घूमते वो भटक गए और बहुत देर तक रास्ता जब नहीं मिला और उनको पानी की प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि पास में एक ग्रामीण रहता है, तो उसकी झोपड़ी में वो चले गए और पानी, बहुत चोरों की प्यास लगी हुई थी, इतनी गर्मी थी, तो पानी मांगा, उसने पानी पिलाया। गांव का व्यक्ति होता है, मटके में पानी रखता है, शीतल जल होता है, खुले वातावरण में रहता है तो पानी इतना ठंडा हो जाता है, तो एक मधुर जो नेचुरल जो वाटर था उनको जब पिया तो इतना स्वादिष्ट लगा, इतना मीठा लगा, और इतनी प्यास तेज लगी हुई थी कि पानी बहुत ही अच्छा लगा। तो राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो भैया, इस समय तुमने मेरी जान बचाई, एक तरह से मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे प्यास के कारण से, तो थोड़े समय के लिए तुम अब मेरे साथ चलो, मेरे महल में भी रहो, जैसे तुमने मुझे सुविधा दी, पानी पिलाया, वैसे मेरे महल में रह करके भी रहो, कुछ मेरी ओर से भी आतिथ्य स्वीकार करो। तो वो ग्रामीण चला गया।
और कुछ दिन वहां रहा, देखा कि राजा के महल में तो कितनी चकाचौंध है, कितना सुंदर भवन है, महल है। अब उसने तो कभी अपने घर में वो झोपड़ी में रहता, तिनके की या लकड़ी की बनी हुई झोपड़ी है, उसका भी इस तरह की चीजें देखी नहीं कि महल क्या होता है, मकान भी क्या होता है, इतने बढ़िया सोफा सेट, इतने बढ़िया गद्दे, इतना बढ़िया भोजन, ये सब चीजें उसने देखी। उसने सोचा कि मैंने तो लाइफ में कभी इन चीजों की कल्पना भी नहीं की थी। दूर दूर तक हमारे दिमाग में इन चीजों की कोई कल्पना भी नहीं है, बिकॉज हमने कभी देखा ही नहीं इन चीजों को वहां रहते हुए जंगल में। तो बाद में कुछ दिनों के बाद में उसके मन में आ गया कि मेरी फैमिली को मैं छोड़ करके आया, इतने दिन हो गए यहाँ पर, तो परिवार की याद आ गई। तो उसने राजा को कहे बिना ही वो निकल गया, और अपने जब घर पहुंचा तो लोग परिवार वालों ने सब उससे पूछा कि इतने दिन तुम वहां गए, वहां रहे, क्या देखा, क्या किया। तो उसने सारा बताया कि मैं कैसे तुम्हें बताऊं, यहाँ अपने पास में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे मैं तुलना कर सकूं या जिसको एग्जाम्पल दे सकूं समझाने के लिए कि मैं राजा के यहाँ रहा तो किस तरह की सुविधाएं थी वहां पर, किस तरह की फैसिलिटीज थी, किस तरह का महल था उनका, किस तरह के गद्दे थे, किस तरह का भोजन था, किस और किस तरह से वहां पे मेरी सेवा या की गई है। तो वो चीजें यहाँ कुछ है ही नहीं जिसका मैं एग्जाम्पल दे करके उन्हें बता सकूं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि बुद्धि भी उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है जिसको उस इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सका हो। अगर आप इंद्रियों के माध्यम से जिस तत्व को देख ही नहीं सकते तो बुद्धि उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती है। तो आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे बुद्धि भी ग्रहण नहीं कर पाती है। तर्क से समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आती है, बुद्धि से समझने की कोशिश करो तो नहीं समझ में आती है, लॉजिक लगाने की कोशिश करो तो वो लॉजिक अप्लाई नहीं होता इतना से। तो ये बात कही जा रही है कि कुछ शास्त्रों में ऐसे तत्वों का प्रतिपादन है जो कि अतीन्द्रिय तत्व है। अब कर्म के पार्टिकल्स की बात है, कर्म को आप देख सकते हैं क्या? आत्मा को तो नहीं देख सकते, कर्म को देख सकते? कर्म तो भौतिक पदार्थ है, जैसे अन्य आप भौतिक पदार्थों को देखते हो उसी तरह से एक भौतिक पदार्थ जो है कर्म पर कर्म है, तो आप उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। कर्म नहीं देख सकते पर उसका फल देख सकते। कर्म का फल देख सकते, कर्म को क्यों नहीं देख सकते हो? वो पुद्गल है। कर्म जैसे आपका शरीर है, आप शरीर को देख रहे हैं, वो भी एक कर्म भी एक शरीर है, उसको क्यों नहीं देख सकते? वो अरूपी पुद्गल है। ओके, एक बात ये समझना है, कभी भी पुद्गल अरूपी नहीं होता है, ठीक है ना? रूपी पुद्गल हमेशा रूपी होता है, रूपी मन से उसमें कोई ना कोई कलर जरूर होता है, वो भौतिक पदार्थ होता है। रूपी और अरूपी का मतलब होता है मटेरियल। तो कर्म तो मटेरियल है, मटेरियल एंटिटी है, ठीक है ना? तो वो हमेशा उसमें कोई ना कोई कलर होता है, कर्म के का भी कलर होता है, उसमें भी रस होता है, उसमें भी टेस्ट होता है, उसमें भी स्मेल होती है। हमारे शरीर से स्मेल अगर निकलती है, सपोज अच्छी निकले या बुरी निकले, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे शुभ कर्म या अशुभ कर्म, ठीक है ना? तो कर्मों के अंदर स्मेल भी होती है। तो कर्म को हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकते, कर्म सूक्ष्म है। हम स्थूल पदार्थों को देख सकते हैं, जो हमारी आंखों की रेंज में जो चीजें आती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत स्थूल होती है, कॉन्क्रीट होती है, हम उसको देख पाते, किंतु कर्म तो बहुत सूक्ष्म है। जितने भी पदार्थ हमारे नॉलेज में आते हैं वो अष्टस्पर्शी पुद्गल कहलाते हैं। समझ में आया? आठ स्पर्श होते हैं, आपने 25 बोल सीखे हैं, आठ स्पर्श होते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदु कर्कश और लघु गुरु, ये आठ स्पर्श होते हैं किसी भी पदार्थ में। तो इसमें से हम जितने पदार्थों को देख पाते हैं वो सब अष्टस्पर्शी होते हैं, किंतु कर्म जो है वो चार स्पर्श वाले ही होते हैं, और चार स्पर्शी पुद्गल हमेशा सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं आंखों से, ठीक है ना? तो ये कारण बनता है कि कर्म की, अब शास्त्रों में चर्चा है तो किसकी है? कर्म की है या आत्मा की है? हम आत्मा और कर्म दोनों ही हमारी पहुंच से बाहर की चीजें, अतीन्द्रिय चीजें हैं।
ठीक है ना, इनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। कर्म के फल की जहां तक बात है, हमें फल का अनुभव होता है कि सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, परिस्थिति अनुकूल चल रही है या प्रतिकूल चल रही है, ग्रह हमारे अनुकूल चल रहे हैं या प्रतिकूल चल रहे हैं, ये सब चीजें हमें अनुभव में आती हैं जो कि कर्म के परिणाम स्वरूप हो रहा होता है हमारे साथ में। तो हम इतना ये अनुभव तो हम जरूर करते हैं, इसका कहते हैं कर्म का वेदन तो हम जरूर करते हैं, उसकी अनुभूति हमें जरूर होती है कि हमारे यहाँ भी ग्रह अनुकूल चल रहे हैं या प्रतिकूल चल रहे हैं, परिस्थितियां अनुकूल चल रही है या प्रतिकूल चल रही है, किंतु उन कर्मों को हम साक्षात नहीं देख पाते हैं। और सपोज हम जो कुछ साधना करते हैं, चाहे उपवास करें, चाहे अन्य जप करें, चाहे तप करें, चाहे ध्यान करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे मंदिर में जाकर पूजन करें, कुछ भी करें, हम उन सब क्रियाओं से हमारे अंदर कर्म का क्या शोधन हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है, किस क्वांटिटी में हो रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है इजीली। तो ये सब चीजें चूंकि अतींद्रिय है, आपकी पहुंच से बाहर है, बट होता जरूर है। आप अगर तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे आपके कर्मों की निर्जना होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, अंदर में आनंद की अनुभूति होती है। और ज्यादातर लोग जब कभी पूजा करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको लगता है हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। ये आनंद कब महसूस होता है? जब कर्म के आवरण आपके अंदर से दूर होते हैं। तो आप पर्टिकुलर जो भी साधना करते हैं, अगर उससे आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, पवित्रता की अनुभूति हो रही है, तो मान करके चलिए कि आपकी साधना वास्तव में परिणाम ला रही है, उसका फल आपको मिल रहा है। अंदर में शुद्धि हुए बिना आपका आंतरिक आनंद जो है वो प्रस्फुटित नहीं हो सकता है, वो आंतरिक आनंद की अनुभूति आपको नहीं हो सकती। तो हम सामान्यतः जो घर में गृहस्थ जीवन में काम करते हैं, उस समय वो आनंद अनुभव में नहीं होता है, आता है जब हम कभी तपस्या ध्यान स्वाध्याय करते हैं, तभी वो आनंद अनुभूति। इसका मतलब ही है कि आपकी उस प्रक्रिया से आत्मा का शोधन हो रहा है। परंतु इस शोधन की प्रक्रिया को भी देखना अगर कोई चाहे तो वो अतींद्रिय है, वो आपको देखने में नहीं आती है, पर हाँ आप उसका अनुभव जरूर कर सकते हो। आपको आनंद जब अनुभव में आता है तो आपको महसूस होता है कि हाँ मैं कुछ इस कार्य को करने से मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन है, मुझे आंतरिक रूप से आनंद की अनुभूति हो रही है, कुछ पवित्रता का अनुभव हो रहा है, वातावरण सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है उसके कारण से। तो ये परिणाम आप बाहर में जरूर अनुभव कर सकते हैं। तो ये भगवान गौतम स्वामी इसीलिए भगवान महावीर से जब ये पूछते हैं कि आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व में हम संदेह न करें, ये हम जरूर अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। और वो इसलिए भी बिठाना आवश्यक है क्योंकि तीर्थंकरों ने जिन तत्वों का प्रतिपादन किया है वो प्रायः करके अतींद्रिय तत्व हैं, वो कोई इंद्रियों से देखी जाने वाली चीजें नहीं है। इसलिए आपको उसमें केवल श्रद्धा ही की कर सकते हो। आप उसमें तर्क करने लगेंगे या ये सोचने लगेंगे कि विज्ञान की कसौटी पर हमारा धर्म बिल्कुल खराब उतरे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा इतना ज्यादा। हम जरूर विज्ञान और दर्शन को, जैन दर्शन को लेकर के लेक्चर सीरीज भी चला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, परंतु आत्मा जैसे और ये अतींद्रिय तत्वों की सिद्धि विज्ञान अभी वर्तमान में करने की स्थिति में नहीं है। हमें विज्ञान को ये दिशा देना है कि अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। इन तत्वों की सिद्धि आपको सिंपल अभी के वर्तमान की जो स्थिति है या इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए आप वो नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो आपको कुछ और गहराई से सोचना चाहिए और इन तत्वों को स्वीकार करना चाहिए ताकि विश्व में जो हिंसा, क्रूरता, आतंकवाद, ये सारी जो समस्याएं पैदा हो रही, इनको हम कैसे नियंत्रित कर सके। जब तक इन तत्वों में आपका विश्वास नहीं होगा तब तक विश्व में शांति और अहिंसा की बात हम नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए हम विज्ञान के साथ मिलकर के काम करते हैं कि वैज्ञानिक आज वर्तमान में हमारी नई पीढ़ी भी विज्ञान अगर कुछ कहता है तो समझ में आता है, शास्त्र कुछ कहता है तो समझ में उसको कम आता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों को आज धर्म के साथ जोड़ करके इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक हो गया है। तो ये आपसे मैंने एक कहा कि भगवान ने सबसे पहला तत्व कहा कि हमें श्रद्धा करना चाहिए और मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि तीर्थंकरों ने जिन तत्वों का प्रतिपादन किया है, जिस स्वरूप को समझाया है, वो बिल्कुल सत्य है, हमें उसमें कोई तरह का शंका नहीं करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है जो कि बड़ा गंभीर प्रश्न है,
और दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न ये है कि से नूनम भन्ते अत्युत्तम अत्युत्ते परिणमयी नत्युत्तम नत्युत्ते परिणमयी हंता गोयमा जाओ परिणमयी। यहाँ पर गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया है, बहुत गहरा प्रश्न है कि भगवान हम विश्व में जिन तत्वों को देखते हैं उन तत्वों का स्वरूप वास्तव में क्या है। तो भगवान महावीर ने एक बात कही कि हर तत्व में दो चीजें जरूर पाई जाती है, एक अस्तित्व दूसरा नास्तित्व। समझ में आया? ये हमारे दर्शन का एक बहुत ही विवादास्पद कहना चाहिए कि विचार रहा है कि जैन धर्म अनेकांतवाद को मानता है। अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि एक वस्तु में दो विपरीत धर्म रह सकते, ये अनेकांतवाद है। ठीक है ना? एक ही घर में स्त्री भी रह सकती और पुरुष भी रह सकते हैं कि नहीं, कि स्त्रियां ही रह सकती या पुरुष ही रह सकते हैं? दो विपरीत व्यक्ति एक घर के अंदर रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। और क्या ऐसा संभव है कि केवल स्त्री से घर चल जाए या केवल पुरुष से घर चल जाए? दोनों से, दोनों का योग आवश्यक है। कुछ काम पुरुष कर सकते हैं, कुछ काम स्त्रियां कर सकती हैं। यद्यपि वर्तमान जो स्थिति है उसमें महिलाएं जो है चाहती हैं कि हम भी पुरुष की तरह क्यों नहीं व्यापार कर सकते हैं, क्यों नहीं जॉब कर सकते हैं, क्यों नहीं जो है पैसा कमा सकते हैं। तो वो बराबरी की बात सोचती है, वो बात सही है, कहीं वो भी जरूरत होती है मनुष्य के लिए। परंतु मूल बात इतनी सी समझना है कि स्त्री और पुरुष दोनों के योग के बिना घर नहीं चल सकता। केवल स्त्री भी घर नहीं चला सकती, केवल पुरुष भी घर नहीं चला सकते। ठीक है, कोई जॉब में चला गया और अपना काम कर रहा है, वो एक अलग बात है, किंतु परिवार का जो व्यवस्थित रूप है वो स्त्री और पुरुष दोनों के योग से ही आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से सृष्टि में हर तत्व के बारे में ये कहा जाता है कि हर तत्व के अंदर दोनों तरह की शक्ति होनी आवश्यक है। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों आवश्यक है। वस्तु एक दृष्टि से उसका जो स्वरूप होता है, दूसरी दृष्टि से वो स्वरूप उसमें नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी को कहें कि भारती जी हैं, तो भारती जी हैं ये बात सही है, ठीक है ना? अब दूसरी दृष्टि से अगर हमें कहें कि भारती जी जीवन प्रभा जी नहीं है, तो ये बात सच है कि नहीं है? ये भी सच है। तो है और नहीं, ये दोनों एक व्यक्ति में फिट होता है कि नहीं? होता है, होता है। भारती जी अपने स्वरूप में, अपने नाम रूप की दृष्टि से भारती जी हैं, किंतु जीवन प्रभा जी का जो स्वरूप है वो तो उनमें नहीं है, उस दृष्टि से भारती जी जीवन प्रभा जी नहीं है, ये बात भी सच है, ठीक है ना? तो ये भगवान महावीर से प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर पदार्थ का स्वरूप कैसे निश्चित किया जाता है। तो उसमें ये बात भगवान महावीर ने कही कि दो चीजें होती है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इन चार बातों के आधार पर किसी वस्तु का स्वरूप निश्चित किया जाता है, किंतु इसके साथ साथ में ये भी देखना आवश्यक होता है कि वो वस्तु का जो स्वरूप, अपना जो स्वरूप है, उससे भिन्न और क्या पदार्थ है जो उसमें नहीं है, उनके गुणधर्म उस वस्तु में नहीं है, तभी आप उस वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिंपल करने के लिए इस बात को मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को अपन टेबल कहना चाहते हैं कि ये टेबल है, ठीक है ना? तो टेबल क्यों है कि टेबल की जो क्वालिटीज होती है, टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टेबल के अंदर है, इसलिए हम टेबल को टेबल कहते हैं। किंतु उसको क्या हम चेयर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चेयर की जो क्वालिटी होती कि उस पर बैठा जा सकता है, वो क्वालिटी टेबल के अंदर नहीं होती है कि उस पर कोई बैठ नहीं सकता है। ठीक है, हम वस्तु रखते हैं और साथ में हम बैठ जाते कभी, वो एक अलग बात है। वो तो किसी भी चीज का हम कैसे भी अगर यूज करें तो कर सकते हैं, बट जनरली जो चेयर की क्वालिटी है वो टेबल में नहीं है, और टेबल की क्वालिटी है वो चेयर के अंदर नहीं है, ठीक है ना? तो हम टेबल का स्वरूप जब कभी निश्चित करेंगे तो हम दोनों बातें देखेंगे कि टेबल के अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या नहीं है, और जो है वो केवल टेबल में ही अगर पाई जाती, किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती है,
और वो अन्य पदार्थों की जो क्वालिटीज है वो अगर टेबल के अंदर नहीं है तभी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये टेबल ही है और कुछ नहीं है। समझ में आया ना, ये टेबल ही है और कुछ नहीं है। अगर दूसरे पदार्थों की क्वालिटी भी उसमें दिखने देखने को मिल जाए तो आप उस पदार्थ को ये टेबल ही है ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो दूसरा भी रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में किसी पदार्थ के स्वरूप को निश्चित करना बहुत कठिन होता है। तो भगवान महावीर से गौतम स्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसीलिए कि आप किसी भी हम जीव तत्व के स्वरूप को समझे, अजीव तत्व के स्वरूप को समझे, पुण्य के स्वरूप को समझे, पाप के स्वरूप को समझे, तो हमें किस तरह से समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीव का जो लक्षण मैंने बता दिया है वो लक्षण जिसमें मिले उसे जीव ही समझना चाहिए, उससे विपरीत अजीव के लक्षण उसमें कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए ये दोनों बातें जब तक आपकी फिक्स नहीं होती है कि इसमें केवल जीव के लक्षण है अजीव के लक्षण नहीं है, ये बात फिक्स जब हो जाती है तो वो पदार्थ का स्वरूप आप सुनिश्चित रूप में कह सकते हैं कि ये जीव ही है ये अजीव नहीं है, क्योंकि इसमें अजीव की कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है ना, तो वर्तमान में विज्ञान जो है ये कोशिश कर रहा है आत्मा को समझने का, और वो ये समझ रहे हैं कि आत्मा एक तरह से हमारा जैसे मस्तिष्क है जो भौतिक होता है, मैटर से बना हुआ होता है, और ये मस्तिष्क की ही एक फंक्शन है, आत्मा और कुछ नहीं है, ये मस्तिष्क का एक फंक्शन है। तो जैन इस चीज को अपोज करते हैं कि मैटर से चेतना पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि चेतना की क्वालिटी अलग है और मैटर की क्वालिटी अलग है, ये एक दूसरे को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेन से चेतना या आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, मैटर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे में कभी इंटर नहीं करती है या कभी मिक्स नहीं होती एक दूसरे के साथ में। तो इसीलिए हम जब आत्मा और शरीर की भेद विज्ञान की जब बात करते हैं तो हम भेद विज्ञान की बात इसीलिए करते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग भिन्न तत्व है, इनका स्वरूप अलग अलग है, ये एक दूसरे से अलग है, ये हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर हम शरीर को आत्मा मानते हैं या आत्मा को शरीर समझ बैठते हैं, शरीर से भिन्न नहीं समझते हैं, तो ये एक प्रकार का मिथ्यात्व है। ठीक है ना, तो इसी को ये ज्यादातर जो है मिथ्यात्व को समझाने के लिए ये बात विशेष रूप से कही जाती है कि आप शरीर को भिन्न समझे, आत्मा को भिन्न समझे, शरीर भौतिक पदार्थ है, आत्मा एक अभौतिक तत्व है, शरीर अचेतन है, जड़ है, आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान है, उसमें दर्शन है, उसमें आनंद है, उसमें शक्ति है, ये स्वरूप आत्मा का है। जब तक ये हम स्पष्ट रूप से इन तत्वों के स्वरूप को नहीं समझते तब बार बार हमारे अंदर भ्रांति पैदा होती रहती है और फिर वो मिथ्यात्व का उदय होता रहता है। तो इन बातों को हम समझने का प्रयास करें कि भगवान ने तत्व के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है, आत्मा और अन्य सभी तत्वों के स्वरूप को बहुत स्पष्टता से समझाया है, वो स्वरूप हम समझें और हमारे सम्यक्त्व की जो है का हमारे अंदर सम्यक्त्व का सही अर्थ में विकास हो और उसी से हमारे जीवन को एक प्रशस्त दिशा भी मिलती है, हमारा दृष्टिकोण भी प्रशस्त बनता है, पॉजिटिव बनता है, हमारे बिहेवियर पॉजिटिव बनते हैं, हमारे भाव पॉजिटिव बनते हैं और हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक विकास होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को हम अपनी ओर से संपन्न करते हैं। समनी जी, आपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र बाद में क्या बोले, दो स्वकाल और स्वभाव। स्वकाल मेरा अस्तित्व क्या है, वर्तमान में मैं चैतन्य प्रज्ञा हूँ, ये मुझे वर्तमान में लोग जानते हैं। मैं अतीत में इस जन्म में आने से पहले चैतन्य प्रज्ञा नहीं थी और इस जन्म के बाद चैतन्य प्रज्ञा रहने वाली नहीं। समझ में आया ना, तो मेरा वर्तमान काल ही मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, मैं चैतन्य प्रज्ञा के रूप में मेरी पहचान वर्तमान काल में होती है। तो ये वर्तमान काल मेरा स्वकाल है, चैतन्य प्रज्ञा का स्वकाल है। ठीक है, इसी तरह से मेरा जो समनी के रूप में जो स्वरूप है वो मेरा समनी का स्वरूप है। वास्तव में मैं दीक्षा से पहले गृहस्थ थी, मृत्यु के बाद में क्या होंगे पता नहीं है, तो वो मेरा स्वरूप चैतन्य प्रज्ञा का नहीं है, फिर मेरा कुछ और रूप हो जाएगा उस समय।
ठीक है ना, या कुछ और रूप था, जी, तो मेरा स्वरूप वर्तमान में जो है ये स्वभाव, स्वभाव का मतलब वर्तमान अवस्था मेरी जो है ये मेरा स्वरूप है समनी के रूप में, ठीक है जी। इसी तरह से स्वक्षेत्र होता है, मैं अभी मायामी में हूँ तो मायामी मेरा स्वक्षेत्र है जी। मुझे कोई इंडिया में देखना चाहे तो मैं वहां नहीं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ हूँ वहां नहीं हूँ, मैं सवनी के रूप में हूँ, मैं गृहस्थ के रूप में नहीं हूँ, तो है और नहीं ये दोनों चीजें मिल करके मेरे स्वरूप को सुनिश्चित करती है, ठीक है ना, किसी अपेक्षा से मैं है हूँ किसी अपेक्षा से नहीं जी। तो फिर स्वकाल में, स्वकाल तो मैंने आपको बताया कि मैं वर्तमान काल में हूँ जो हूँ, अच्छा, इस जन्म में मैं समनी हूँ सपोज, तो ये मेरा स्वकाल है, समनी के रूप में मेरा स्वकाल वर्तमान का, वर्तमान जीवन काल है, मतलब वर्तमान काल, बराबर, हाँ वर्तमान काल, जी जी जी, न अतीत न भविष्य, जी जी, ओके, जय जिनेन्द्र, ओके। अच्छा प्रश्न है, और किसी का कोई प्रश्न है?